मेरा नाम है फूड एंड एलाइड वर्कर्स यूनियन जम्मू कश्मीर में वाइस प्रेसिडेंट की हैसियत से बोल रहा हूँ, गुलाम मोहम्मद मीर। तो पिछले 1988 से हम यहाँ काम करते आए हैं। जितने में वैली कश्मीर जम्मू में फूड गोदाम है वहाँ हमारे लेबर काम करते हैं। तो यहाँ हम अपना घर का गुजारा अच्छी तरह से चलाते हैं। हम एक महीने में 8,000, 9,000, 10,000 तक कमाते हैं, अपने घर का अच्छी तरह से खर्चा निकलते हैं। तो 2016 जून में सरकार ने एक फैसला लिया है कि यहाँ जो फूड के गोदाम है उनको क्लोज करेंगे, और एफसीआई का जो गोदाम है वो भी स्टेट का ही गोदाम है, वो स्टेट को हैंड ओवर करेंगे वापस, और उसमें फूड लेबर मजदूर, फूड के जो मजदूर है वो उसमें काम करेंगे। और जून 2016 जून से लेकर आज तक ये अफसर लोग, मंत्री लोग टाल मटोल करते आए हैं। उन्होंने सीधा हमारे गर्दनों पे छुरी मारी है, हमारे बाल बच्चे भूखे मर रहे हैं, हम अपने बच्चों की पढ़ाई पूरी नहीं कर सकते हैं। तो 9 महीने हो गए, 9 महीने गुजरने के बाद सिर्फ ये तानाशाही करते हैं, टाल मटोल करते हैं। हमारा एहतजाज पिछले 8 दिनों से चलता है यहाँ पर, और कल सरकार ने पुलिस भेजा है यहाँ पर, और पुलिस ने यहाँ पर लाठीचार्ज किया और हमारे 32 बंदों को गिरफ्तार करके ले गया, उनको थाने में बंद किया कल 8 बजे तक, और 8 बजे से उनको उठाया और इस्लामाबाद में जो सेंट्रल जेल है वहां उनको कैद कर रखा है। हमारी मांग यही है, एक तो वो 32 बंदे किया जाए, तो तब तक ये हमारा ये धरना जो है तब तक जारी रहेगा जब तक हमारे मसले हल नहीं हो जाएंगे। 3 दिन के लिए हमने पूरे कश्मीर को बंद किया है, कश्मीर को जो कश्मीर में फूड के गोदाम है वहां जो लेबर काम करते हैं वो लोग भी स्ट्राइक पर आ गए, वो भी धरने पर बैठे हैं। आज की सरकार ने हद ही पार कर दिया, उन्होंने नेते मजदूरों को यहां से उठाया और लाठीचार्ज की और सेंट्रल जेल में बंद किया। जब तक वो 32 बंदे रहा नहीं हो जाएंगे, तो आज हम गेट के अंदर है, कल हमारे बाल बच्चे इसी पेपर दर्द देंगे।